क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते है। अंतिम संस्कार के लिए उनको नहीं परमिशन दी, आपने खुद करा दिया। भाई को बुलाया ना, डिस्टेंस तो बना लीजिए, पिताजी को बुलाया। सर कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और हम मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दो चित्रा जी, आप यहाँ पे थी नहीं? आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए, आप खुद होटल में थे, आप यहाँ थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है मेरा। मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है? किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने? भाई किसने? किसने? नहीं नहीं ना, कौन थे? कैसे बताओ? नहीं नहीं झूठ बोल रहे आप, झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ पे थे, ये नहीं पता है कि हम कर सुनिए सर, आप झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। परिवार ने चला, आप झूठ बोल रहे हैं सर। ये लोग तो थे तनुषी सर, आपने पहले गलती की, आपने पहले गलती की, फिर आप झूठ बोल रहे हो। किससे? जिले का डीएम झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने, कुछ भी पीड़ित परिवार के सामने आप झूठ बोल रहे हो। प्लीज सर, आप झूठ बोल रहे हो। आप बताएं तो सर, किसके दस्तखत है, किसके किसी के किसी की सिग्नेचर है? इजाजत क्यों नहीं दी? अंतिम संस्कार तो कम से कम परिवार करता अपने बच्चे का। किसके से वापस लेके आए थे? उनको आने दो, उनको आने दो, उनको आने दो। कैमरा मैन महिलाएं क्यों लेटी थी आपकी गाड़ी के आगे? क्यों लेटी थी, क्या वजह? मेरी गाड़ी के आगे नहीं लेटी, एम्बुलेंस के आगे लेटी थी। तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए। क्यों नहीं करने दिया गया सर? अंतिम संस्कार करने दिया, 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। 1 घंटे तक वो ये कह रहे कि वो सीधा एम्बुलेंस लेकर शमशान घाट चले गए, शमशान घाट चले गए। वो अंतिम संस्कार किया है सर, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? परिवार के लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार।